नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। राज्य के स्कूलों में होंगे एक तरह के बेंच डेस्क। कृषि वानिकी योजना में शामिल होने का सुनहरा अवसर। साइबर अपराध के शिकार होने पर उठाएं ये कदम। बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए इस दिन तक करें आवेदन। भारत आयरलैंड के मैच का मजा इस तरह उठाए फ्री में। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। DSSSB के 1841 पद पर शुरू हुए आवेदन। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से TGT, PGT, लैब असिस्टेंट PA सहित 1841 पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत गुरुवार 17 अगस्त 2023 से हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार इन रिक्तियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हर पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। इन वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए जनरल OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ₹100 शुल्क देने होंगे, जबकि SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और महिला कैंडिडेट्स को शुल्क नहीं देने हैं। राज्य के स्कूलों में होंगे एक तरह के बेंच डेस्क। राज्य के सभी स्कूलों में चरणावर तरीके से राज्य स्तर से एक ही तरह के बेंच डेस्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। बता दें कि इसके पहले चरण के तहत विभिन्न स्कूलों में 60,000 बेंच डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है और साथ ही बेंच डेस्क का मॉडल भी चयनित कर लिया गया है। वहीं अब जल्द ही यह तय कर लिया जाएगा कि कौन से कंपनी द्वारा बेंच डेस्क की आपूर्ति की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी बेंच डेस्क मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड से बने होंगे, जिसमें बच्चों के लिए बैग और पानी की बोतल रखने की भी जगह होगा। मालूम हो कि इस बारे में विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण के तहत उपलब्ध करवाए जाने वाले 60,000 बेंच डेस्क में से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में से 15,000 और प्रारंभिक स्कूलों में 45,000 बेंच डेस्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे दलेर मेहंदी के बारे में। दलेर मेहंदी का जन्म आज ही के दिन 1967 को हुआ था। यह एक भारतीय गायक, गीतकार, लेखक और रिकॉर्ड निर्माता हैं। उन्होंने भांगड़ा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में मदद की है, साथ ही भारतीय पॉप संगीत को बॉलीवुड संगीत से स्वतंत्र बनाने में भी मदद की है। वह अपने नृत्य, गीतों, आवाज, पगड़ी और लंबे लहराते वस्त्रों के लिए जाने जाते हैं। 1994 में उन्हें अल्माटी, कजाकिस्तान में वॉइस ऑफ एशिया इंटरनेशनल एथनिक एंड पॉप म्यूजिक कॉन्टेस्ट से सम्मानित किया गया। दलेर मेहंदी ने साल 1995 में अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया था, जिसका नाम बोलो तारा रारा था, और इस एल्बम ने पूरे देश में अपना जलवा दिखाया था। इस एल्बम के फेमस होने से अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी लगभग 20 मिलियन के आसपास कॉपी बेची गई थी। एक साल बाद मैग्ना साउंड के तहत उनका दूसरा एल्बम दर्दी रबड़ब लॉन्च किया गया। इस एल्बम ने बोलो तारारा की बिक्री को पीछे छोड़ दिया। उन्हें चैनल वी म्यूजिक अवार्ड से 3 श्रेणियों में नामांकित किया गया और चैनल वी सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष कलाकार का पुरस्कार जीता। छठ में प्रवासी का बिहार आना हुआ मुश्किल। 17 नवंबर से छठ की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में वे लोग जो पर्व के दौरान घर आना चाहते हैं, वे सभी रेल टिकट कटवाने की होड़ में लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा। बुकिंग खुलते ही ट्रेन हाउसफुल हो रहे हैं। सभी ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची लंबी हो गई है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कई ट्रेनों में नो रूम हो चुका है। ऐसे में अब जिन लोगों को ट्रेनों में सीट नहीं मिली है, वे सभी अब स्पेशल की आस लगाए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लंबी दूरी की किसी भी ट्रेन में कोई भी आरक्षित बर्थ उपलब्ध नहीं है। सभी कारणों से पर्व त्योहार को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में लौटने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा डिजिटल हीमोग्लोबिनो मीटर हुआ लॉन्च। एनीमिया मुक्त भारत को सफल बनाया जा सके, इसके लिए बीते दिन बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा स्टेट लेवल पर डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर को लॉन्च किया गया, जिससे अब कम्युनिटी लेवल पर हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच की जाएगी। इस बारे में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार सिंह के द्वारा कहा गया कि यह डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर सभी ANM के किट में रहेगा और सभी हेल्थ सब सेंटर में रहेगा। उन्होंने कहा कि इसकी जांच आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों में और ANC की महिलाओं में हो
होगा ताकि हीमोग्लोबिन का स्तर पता चल सके और उन्हें दवाई देकर उसे ठीक किया जा सके। बता दें कि इस डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से मात्र एक बूंद रक्त से 10 सेकंड के अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर पता चल जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के लैब टेक्नीशियन या लैब की जरूरत नहीं पड़ती। जमुई का नागी नकटी डैम बनेगा टूरिस्ट स्पॉट। जमुई जिले में सिंचाई योजनाओं की भरमार को देखते हुए पर्यटन विभाग के द्वारा यह योजना बनाई गई है कि यहां के दो डैम गढ़ी और नकटी डैम को पर्यटन स्थल में विकसित किया जाए। बता दें कि इसमें से गढ़ी डैम के लाइट पर्यटन विभाग के द्वारा 10,78,83,000 राशि स्वीकृत कर दी गई है, तो वहीं नकटी डैम के लिए करीब 11 करोड़ राशि की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। मालूम हो कि इस योजना के अंतर्गत डैम के पास प्रवेश द्वार का निर्माण, बाउंड्री वॉल, चैन लिंक फेंसिंग, रिक्रिएशनल जोन, गार्डन, नेचर स्पॉट, पिकनिक एरिया इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों डैम को पर्यटन स्थल में विकसित किए जाने से लोगों को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं सबके अलावा इन डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के बाद यहाँ प्रदेशों से भी पर्यटकों का आगमन होगा। बिहार करेगा स्कूली नेशनल क्रिकेट की मेजबानी। बिहार 67 सालों में पहली बार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किए जा रहे स्कूली नेशनल क्रिकेट की मेजबानी करने जा रहा है। बता दें कि यह पहली बार है जब बिहार को SGFI के द्वारा 5 खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। मालूम हो कि इन 5 गेमों में से 4 गेम की मेजबानी बिहार की राजधानी पटना को तो वहीं 1 गेम की मेजबानी कटिहार को करनी है, जिनमें से पटना के द्वारा एथलेटिक्स अंडर 14 बालक बालिका, वेट लिफ्टिंग अंडर 17 बालक बालिका और फुटबॉल अंडर 17 बालिका की मेजबानी दिसंबर के चौथे सप्ताह में की जाएगी। वहीं जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में पटना के द्वारा क्रिकेट अंडर 17 बालक की मेजबानी की जाएगी और फिर उसके बाद कटिहार के द्वारा जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में सेब कटकारा अंडर 17-19 बालक बालिका की मेजबानी की जाएगी। मालूम हो कि इन खेलों में भाग लेने के लिए देश भर के स्कूली छात्र खिलाड़ी हजारों की संख्या में बिहार आएंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मांगों को लेकर सीएम नीतीश को लिखा पत्र। 15 अगस्त को गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियोजित शिक्षकों को साफ तौर पर राज्य कर्मी के दर्जा देने की घोषणा नहीं करने पर शिक्षकों में निराशा का माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर बीते दिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी मांगों को लेकर एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने और आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, तब शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ आमने सामने बैठकर अध्यापक नियमावली 2023 की 20 संगतियों पर बातचीत के द्वारा शीघ्र समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्या टालने से मुख्यमंत्री के प्रति शिक्षकों का भरोसा टूटने लगता है। उन्होंने कहा कि पूर्व से कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से वरीयता और सेवा अनुभव का लाभ दिया जाना आवश्यक है ताकि शिक्षक हीन ग्रंथि के शिकार न हो। उन्होंने कहा कि तमाम समस्याओं का एक समाधान है कि शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिले। कृषि वानिकी योजना में शामिल होने का सुनहरा अवसर। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। बता दें कि इस योजना के तहत मात्र 10 रुपए प्रति पौधे की सुरक्षित राशि 3 वर्षों के लिए देकर पौधे प्राप्त कर सकते हैं। मालूम हो कि 3 वर्ष बाद सुरक्षित जमा राशि 10 रुपए को वापस कर दिया जाएगा। ऐसे में कृषक इस योजना के अंतर्गत सुरक्षित राशि 10 रुपए प्रति पौधा भुगतान करने हेतु संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर फर्स्ट डिपॉजिट या NCS जिसकी वैधता 15 जून 2026 तक हो के माध्यम से संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के पदनाम से या नगद तौर पर राशि का भुगतान कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत कृषकों को 3 वर्ष पश्चात पौधों की 50% से अधिक उत्तर जीवित होने पर 60 रुपए प्रति पौधा अलग से दिए जाएंगे। मालूम हो कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप https://state.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं या फिर 0612226911 या 947304592 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे मनेर शरीफ के बारे में।
मनेरसरी पटना से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है। किसी समय यह सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ था। आज का मनेर करीब 2000 घरों का एक कस्बा है और सड़क किनारे कुछ दुकानें हैं जिसमें दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें मिल जाती हैं। यहाँ का नुकदी का लड्डू बहुत मशहूर है। मनेर किसी समय मुस्लिम संस्कृति का बिहार में सबसे पुराना केंद्र था। 11वीं शताब्दी में और उसके बाद भी यह सूफी फकीरों का आध्यात्मिक केंद्र बना रहा। यहाँ समूचे हिंदुस्तान से सूफी संत आया करते थे और सूफी मत के प्रसार के लिए उपाय सोचा करते थे। मध्य युग के मुस्लिम इतिहास में मनेर का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया गया है। आज भी मुसलमानों के दिल में इसके प्रति बहुत आदर है। साल में यहाँ दो बार दो फकीरों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उस समय धर्म प्राण मुसलमानों को बड़ा मेला लगता है। मनेर में इस समय दो दरगाह हैं, बड़ी और छोटी। बड़ी दरगाह बिहार के मुसलमानी धर्म स्थानों में सबसे ज्यादा पवित्र गिनी जाती है। इसमें महान सूफी संत हजरत मखदूम यहिया मनेरी की कब्र है। साइबर अपराध के शिकार होने पर उठाएं ये कदम। इन दिनों बिहार में साइबर क्राइम से जुड़े घटना में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। ऐसे में यदि आप भी कभी साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो अविलंब अपनी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल अथवा NCCRP पोर्टल या नजदीकी साइबर थाना में दर्ज करवाएं। और इस दौरान इन बातों का ध्यान रखें कि आप अपना नाम और मोबाइल नंबर, नजदीकी पुलिस स्टेशन एवं जिला का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या, वॉलेट मर्चेंट UPI ID जिससे राशि की फ्रॉड की गई है, फ्रॉड की राशि, ट्रांजैक्शन राशि और फ्रॉड कैसे हुई उसकी संक्षेप में जानकारी दें। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन की बढ़ गई तारीख। अगर आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में कक्षा 6 में नामांकन लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अगस्त तक निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा दो फेज में आयोजित की जाएगी, जिसमें से पहले फेज की परीक्षा 4 नवंबर 2023 को तो वही दूसरे फेज की परीक्षा 20 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। अवैध रूप से वाहन निबंधन प्लेट निर्माण करने वालों के खिलाफ परिवहन सचिव सख्त। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी SSP और SP को निर्देश देते हुए कहा गया है कि अब बिहार में अवैध रूप से वाहन निबंधन प्लेट निर्माण करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से निर्मित हो रहे HSRP के स्थानीय विक्रेताओं एवं फुटपाथ पर बनाए जा रहे निबंधन प्लेटों पर केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 50 एवं 51 के उल्लंघन के आरोप में कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही इस तरह के निर्मित हो रहे एवं लगाए जा रहे वाहन नंबर प्लेट पर रोक लगाई जाए। सबके अलावा अब राज्य में नंबर प्लेटों पर फैंसी तरीके से निबंधन संख्या लिखवाना भी अवैध है। प्रदेश के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और उत्तर पश्चिम में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। बदलते हालात के बीच में अब लोगों को तेज गर्मी और उमस से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रदेश में अब लोगों को कुछ गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद अब प्रदेश में लोगों को तेज बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 21 अगस्त को उत्तर बिहार में अनेक स्थानों पर जबकि 22 अगस्त को पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 18 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और उत्तर पश्चिम के जिलों में 1 से 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। वहीं 19 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश में बारिश होने की संभावना 9 के बराबर है। ड्राइविंग लाइसेंस में हो रहे फर्जीवाड़े पर लगेगा लगाम। ड्राइविंग लाइसेंस स्कैन कर हो रहे फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए परिवहन मुख्यालय के द्वारा इसके खिलाफ सख्ती से अभियान चलाने का सभी जिलों के DTO, MBI और ESI को निर्देश दिया गया है। बता दें कि परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी के द्वारा लाइसेंस चालकों को पर गंभीरता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और हर हफ्ते इसके रिपोर्ट की भी मांग की गई है। इसके अलावा परिवहन आयुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया है कि दूसरे जिलों और राज्य के वाहन चालकों पर विशेष नजर बनाए रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति फर्जी लाइसेंस के साथ वाहन चलाते पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में प्ले स्कूल के तर्ज पर बनेगा आंगनबाड़ी केंद्र। राज्य के बच्चों की आंगनबाड़ी केंद्रों की तरफ रुचि बढ़ाई जा सके, इसके लिए बहुत जल्द ही बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण प्ले स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बता दें कि इसके पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिन जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण प्ले स्कूल के तर्ज पर किया जाएगा उनमें बिहार की राजधानी पटना समेत गया, भोजपुर, बेगूसराय और किशनगंज के नाम शामिल हैं। बता दें कि इन सभी जिलों में 30-30 केंद्रों को विकसित किया जाएगा। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी के द्वारा राज्यों के आंगनबाड़ी केंद्रों से रिपोर्ट जुटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की दीवारें रंगीन होंगी और साथ ही बच्चों की रुचि के लिए फल, सब्जी व जानवर की तस्वीर बनाई जाएगी। इसके अलावा शौचालय और पानी की शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए इस दिन तक करें आवेदन। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालय से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 10वीं कक्षा के बालक एवं बालिकाओं को DBT के माध्यम से 10,000 रुपए दिए जाते हैं। बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बालक बालिका को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है। ऐसे में वो बालक बालिका जो इस योजना के तहत मिल रहे लाभ का फायदा उठाना चाहते हैं, वे विभागीय वेबसाइट http://medhasoft.bih.nic.in पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। थाना प्रभारियों को मिलेंगे साइबर अपराध रोकने की ट्रेनिंग। सूबे में तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए इससे निपटने के लिए थाना प्रभारियों को चरणबद्ध तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि इसके तहत सूबे के बचे हुए 700 थाना प्रभारियों को साइबर कानून और इससे जुड़े सभी तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मालूम हो कि थाना प्रभारियों को दी जाने वाली यह ट्रेनिंग 5 दिनों के लिए होगी। इसकी शुरुआत अगस्त के अंतिम सप्ताह से होने वाली है। इस ट्रेनिंग में मुख्य रूप से थाना प्रभारियों को साइबर से संबंधित मामलों में IT लॉ की उचित धाराओं को लगाने के बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही इस दौरान खास तौर पर ईमेल का अनुसंधान करने के तरीके के बारे में भी बताए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में शुरू होने वाली यह ट्रेनिंग दूसरे चरण की ट्रेनिंग है। इसके पहले चरण की ट्रेनिंग में 800 थाना प्रभारियों के अलावा DSP समेत अन्य रैंक के अधिकारियों को साइबर कानून के बारे में ट्रेनिंग दी गई थी। छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालयों के मामले पर 2 सप्ताह में अंतिम सुनवाई। राज्य के स्कूलों में छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालयों और अन्य व्यवस्था के अभाव के मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा 2 सप्ताह में अंतिम रूप से सुनवाई की जाएगी। बता दें कि इस मामले को लेकर पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वे राज्य के सभी स्कूलों में छात्राओं की संख्या के समुचित अनुपात में शौचालय एवं सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों की व्यवस्था हेतु एक जरूरी दिशा निर्देश तैयार करें। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया गया था कि इस संबंध में एक कमेटी गठित की जाए। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 2 सप्ताह बाद की जाएगी। शाहनवाज हुसैन की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली एम्स में भर्ती। बीते दिन बिहार के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में दिल्ली में स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। बता दें कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के द्वारा शाहनवाज हुसैन की तबीयत को लेकर दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहनवाज हुसैन की पहचान BJP के बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर है। ये लंबे समय से BJP के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले नीतीश सरकार में उन्होंने BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ उद्योग मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभाई थी। इस दौरान इन्होंने उद्योग के क्षेत्र में बेहतर काम किया था। दिल्ली से पटना लौटकर बोले CM नीतीश कुमार। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। वहीं पटना वापस लौटने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह एक दिन के लिए दिल्ली गए थे और उनका यह एक दिवसीय दिल्ली दौरा किसी राजनीतिक मायने से नहीं था, बल्कि वो अपनी आंखों की रूटीन चेकअप को लेकर दिल्ली गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा दिल्ली का दौरा राजनीतिक दौरा नहीं था। वहां मैंने दिल्ली के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके अलावा मेरी किसी और से कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं सीमित समय के लिए दिल्ली गया था। इंडिया के गठन के बाद ही NDA की बैठक हुई थी। हमारा दिल्ली में किसी से कोई मिलने का कार्यक्रम नहीं था। हम लिमिटेड काम के लिए दिल्ली गए थे। उन्होंने कहा कि जब हम मीडिया में देखे तो समझ में आया कि ये लोग क्या चला रहे हैं। भारत आयरलैंड के मैच का मजा इस तरह उठाएं फ्री में।
18 अगस्त यानी कि आज से भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होने वाला है। बता दें कि आज का यह मैच डबलिन के द विलेज स्टेडियम में खेला जाएगा। मालूम हो कि टीम इंडिया की कप्तानी जसप्रीत बुमराह के हाथों में है। आज का यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाने वाला है। ऐसे में अगर आप इस मैच का मजा फ्री में उठाना चाहते हैं तो आप सीरीज को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। टीवी पर भी फ्री में डीडी नेशनल पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक भारत और आयरलैंड के बीच कुल 5 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 5 मुकाबलों में भारत ने अपने नाम जीत दर्ज की है। ऐसे में इस मैच को देखने के लिए फैंस के बीच काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। महास्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहोकू में 1945 को विमान दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुए। बाद में एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1951 में हुई। उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा 2008 में की। मराठा साम्राज्य का महान सेनानायक बाजीराव प्रथम का जन्म 1700 को हुआ था। पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वितीय पुत्र और एक कुशल सेना नायक राघोबा का जन्म 1734 को हुआ था। महाराष्ट्र के शास्त्रीय गायक नेत्रहीन संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर का जन्म 1872 को हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन तथा महिला स्वतंत्रता सेनानी विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म 1900 को हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक एबी तारापोरे का जन्म 1923 को हुआ था। प्रसिद्ध गीतकार कवि और फिल्म निर्देशक गुलजार का जन्म 1936 को हुआ था। भारतीय अभिनेत्री प्रीति झंगियानी का जन्म 1980 में हुआ। मंगोल साम्राज्य का शासक चंगेज खान का निधन 1227 में हुआ। हिंदी के साहित्यकार तथा सरस्वती पत्रिका के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी का निधन 1990 को हुआ था। वार्ड में आज हम बात करेंगे इसरो वैज्ञानिकों के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इसरो वैज्ञानिकों के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि @TEHSEENP दावा कर रहा है कि इसरो वैज्ञानिकों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। इसरो वैज्ञानिकों को उनका मासिक वेतन हर महीने के आखिरी दिन मिलता है। व्हाट्सएप बीटा यूजर्स के लिए लॉन्च हुए AI जनरेटेड स्टिकर्स। पॉपुलर मैसेंजर व्हाट्सएप ने अपनी बीटा यूजर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI स्टिकर्स लॉन्च किए हैं। कंपनी फिलहाल सभी यूजर्स के लिए इस स्टिकर का ट्रायल कर रही है। आने वाले दिनों में यह सबके लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल बीटा यूजर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज बाइट्स ऐप की खबर के मुताबिक AI स्टिकर एक ऐसी सुविधा है जो यूजर्स को टेक्स्ट सिग्नल के आधार पर पर्सनलाइज्ड स्टिकर बनाने और शेयर करने की परमिशन देती है। खबर के मुताबिक यह नई वर्किंग कैपेसिटी मिडजर्नी या OpenAI के DALL-E मॉडल की तरह मालूम पड़ती है। इसे व्हाट्सएप के एंड्रॉइड बीटा चैनल पर ट्रायल करते हुए देखा गया था। हालांकि व्हाट्सएप द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्पेसिफिक जेनरेटिक AI मॉडल अननोन है। WA बीटा इन्फो का दावा है कि मेटा की तरफ से पेश एक सुरक्षित तकनीक का इस्तेमाल करता है। WA बीटा इन्फो का कहना है कि यह सुविधा इन ऐप स्टिकर पैनल से उपलब्ध है। आप अपनी पसंद का संकेत देकर वैसा ही स्टिकर पा सकते हैं। व्हाट्सएप आपकी पसंद का स्टिकर जनरेट करेगा, जिसे आप पोस्ट कर चैट में शेयर कर सकते हैं। वहीं अगर यूजर को स्टिकर सही नहीं लगते हैं तो वह उस स्टिकर की रिपोर्ट कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, भारत ने किसको हराकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ईरान। अगला सवाल, भारत किस देश को हराकर काठमांडू में आयोजित NSC-CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कजाकिस्तान। अगला सवाल, ब्रिजेश दमानी को हराकर किसने एशियाई बिलीडियर्स 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए ध्रुव सीतावाला, ऑप्शन बी सौरभ कोठावाड़ी, ऑप्शन सी पंकज आडवाणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंकज आडवाणी। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं? ऑप्शन ए लोडिया नंदनगढ़, ऑप्शन बी लोडिया अरेराज, ऑप्शन सी रामपुरवा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, उज्ज्वल धनुप्रिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, नरेश राम, गौरव कुमार सिंह, उमेश ऋषिदेव, प्रतिमा कुमारी, प्रहलाद कुमार, धनंजय कुमार, मोहम्मद फहीम, प्रियंका कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, नेहा कुमारी, राजा कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज में आपके अनुसार किस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।